जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हरियाली तीज भारतीय महिलाओं का एक बड़ा त्यौहार है। खासकर हिंदू धर्म को मानने वाली महिलाओं के लिए ये एक विशेष पर्व है। हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की याद में संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। जो महिलाएँ विवाहित होती है, सुहागिन होती है, उनके लिए यह और भी अधिक विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए दिन भर व्रत रखती है, उपवास रखती है। हरियाली तीज के एक दिन पहले सभी महिलाएं मेहंदी लगाती है, इसे सिंजारा कहते हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, सजती है, सवरती है, सावन के झूले खाती है और तरह तरह के पकवान घर में बनाए जाते हैं। यदि महिला अविवाहित है तो अपने अच्छे पति की कामना से अविवाहित महिलाएं अविवाहित लड़कियां भी इस व्रत को रखती है। ये काफ़ी प्राचीन मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत रखने से विवाहित स्त्रियों के पति की उम्र लंबी होती है और अविवाहित लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। हरियाली तीज का त्यौहार मुख्य रूप से भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। वैसे ये त्यौहार संपूर्ण भारत में मनाया जाता है, लेकिन इन प्रदेशों में इसका महत्व कुछ अधिक ही माना जाता है। हरियाली तीज को छोटी तीज और श्रावण की तीज के नाम से भी जाना जाता है। ये त्यौहार श्रावण मास की अमावस्या के बाद आने वाली तीज के दिन मनाया जाता है और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह त्यौहार ये पर्व पति के प्रति पत्नी के समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। यह भी मान्यता है कि इस दिन गौरी शंकर की पूजा करने से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कहते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूरे 108 वर्षों तक उनकी घोर तपस्या की और तब माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भोलेनाथ शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तीज का पर्व माता पार्वती को समर्पित माना जाता है, जिन्हें तीज माता के रूप में भी पूजा जाता है। तो महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करती है और खासकर इस दिन लहरिया पहना जाता है। ये एक विशेष प्रकार की साड़ी होती है जिस पर लाइनें बनी रहती है अलग अलग रंगों में। बेहद खूबसूरत लहरिया लगता है, खासकर राजस्थानी लहरिया काफ़ी प्रसिद्ध होता है। तो इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, लहरिया पहनती है, झूला झूलती है और घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है और फिर पूजन के पश्चात कहानी सुनी जाती है। हरियाली तीज की कथा स्वयं भोलेनाथ शिव ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए सुनाई थी। तो आज इस वीडियो में वही कहानी जो स्वयं महादेव ने माता पार्वती को सुनाई थी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कहते हैं कि इस कहानी को सुनने मात्र से ही इसका फल मिलता है, तो आइए शुरू करते हैं। तो माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की घटना बताते हुए शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो सुनो, आज मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की घटना तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। तब माता पार्वती कहती है, सुनाइए प्रभु सुनाइए। तो शिव जी कहते हैं, सुनो, अपने पूर्व जन्म में आप मुझे पति रूप में पाना चाहती थी और इस इच्छा से आपने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए बड़ा ही कठोर घोर तप किया था। अपनी तपस्या के दौरान तुमने अन्न जल त्याग करके सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी तरह का मौसम होता, किसी भी तरह की मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर लगातार तप किया और तब तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बेहद दुखी और नाराज हो गए थे। और ऐसी स्थिति में एक दिन देवर्षि नारद तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने देवर्षि नारद से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, हे पर्वतराज, मैं भगवान विष्णु की इच्छा से यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उससे विवाह करना चाहते हैं और इस बारे में मैं आपकी राय और सहमति जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज हिमालय यानी कि आपके पिता अति प्रसन्न होकर बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी हर्ष की बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ और आपके पिता ने भगवान विष्णु से विवाह की सहमति प्रदान कर दी। ऐसा बोलकर भोलेनाथ कुछ देर के लिए चुप हो गए। तब माता पार्वती ने कहा, भगवान, हे प्रभु, आगे क्या हुआ,
कृपया पूर्ण वर्णन बताइए। तब शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, आपके पिता के द्वारा विवाह की स्वीकृति पाकर, सहमति पाकर नारद जी श्री हरि विष्णु जी के पास गए और उन्हें यह शुभ समाचार सुनाया कि आपके पिता विवाह के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बेहद दुख हुआ। तुम तो मुझे पाना चाहती थी और तुमने मुझे यानी कि कैलाशपति शिव को मन ही मन अपना पति मान लिया था। और जब आपको इस बात का पता चला कि आपके पिता ने आपका विवाह श्री हरि विष्णु जी के साथ तय कर दिया है तो इस बात ने आपको बेहद व्याकुल कर दिया। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी एक सहेली को बताई। तब तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने की साधना करना। तुमने अपनी सहमति प्रकट की और योजना के अनुसार तुम और तुम्हारी सखी घनघोर वन में जाकर छुप गई। इधर तुम्हें घर पर ना पाकर तुम्हारे पिता बेहद चिंतित और दुखी हुए। अब वो सोचने लगे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम उन्हें नहीं मिली। तुम तो घनघोर वन में एक गुफा के भीतर मेरी साधना आराधना और तपस्या में लीन थी। तो देवी, वो दिन श्रावण तृतीय शुक्ल का दिन था। तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण करके मेरी कठिन आराधना की और आखिर मुझे प्रसन्न होकर तुम्हें तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान देना ही पड़ा। वरदान प्राप्त करने के बाद तुम अपने पिता के घर गई और अपने पिता से कहा, पिताजी, अपने जीवन का एक लंबा समय मैंने भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर रहूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। तब पर्वतराज हिमालय यानी कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी इच्छा को स्वीकार कर लिया और कुछ समय बाद उन्होंने पूर्ण विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। इसके बाद भगवान शिव बोले, हे पार्वती, श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। तो इस व्रत का महत्व यह है कि मुझे इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देना ही होता है। और सुनो पार्वती जी, जो भी स्त्री इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करती है उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी, यह मेरा वरदान है। और इस तरह भगवान हरियाली तीज के महत्व को बताकर कहानी को समाप्त करते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी, ये पौराणिक कहानी आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो कृपया अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान। जय जय भोलेनाथ।